नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं आपके साथ ज्योति राघव। राजस्थान विधानसभा चुनाव परिणाम आते ही कुछ नेताओं ने अपने काम की कमान संभाल ली है। बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद नव निर्वाचित विधायकों के आवास पर बधाइयों का दौर जारी है, तो वहीं जयपुर के नव निर्वाचित विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि जीत का प्रमाण पत्र मिलते ही बाल मुकुंदाचार्य चांदी जी की टकसाल पहुंचे, वहां पर अवैध मीट की दुकान हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि फोन पर निगम के अधिकारियों को बाल मुकुंदाचार्य ने सख्त निर्देश दिए हैं। बाल मुकुंदाचार्य ने इसको लेकर शाम तक रिपोर्ट भी मांगी है। इतना ही नहीं, अफसरों को बाल मुकुंदाचार्य ने ये भी कहा है कि रिपोर्ट मैं खुद लेने आऊं या फिर आप खुद देने आएंगे। आपको बता दें कि इसको लेकर वो खुद अवैध मीट की दुकानों के संचालकों को फटकार लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। और चांदी की टकसाल पर रोड पे सारी नॉन वेज की दुकान कृपया हटा दीजिए, इनके लाइसेंस चेक करिए। नहीं कहते नहीं हो, मैं आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा, आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने। लेकिन नॉन वेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉन वेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप? तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉन वेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे, मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। आपको बता दें कि जयपुर में आज नव निर्वाचित विधायकों के आवास पर बधाइयों का दौर जारी है। नव निर्वाचित विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने आज सुबह 10 बजे भगवान गणेश जी के दर्शन करने और आशीर्वाद लेने के लिए जयपुर स्थित मोती डूंगरी पहुंचे। बाल मुकुंदाचार्य ने भगवान गणेश जी के दर्शन कर देश प्रदेश में सुख समृद्धि की खुशहाली की कामना की है। आपको बता दें कि हवा महल विधानसभा में शुरुआत से पीछे चल रहे बीजेपी से बाल मुकुंदाचार्य के अंतिम राउंड में 974 वोट से जीत हासिल हुई है। इस दौरान कांग्रेस ने रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन लगाई, लेकिन बाद में रिकाउंटिंग नहीं हुई और बीजेपी के बाल मुकुंदाचार्य को विजयी घोषित कर दिया गया। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार न्यूज़।